Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum everyone. So today we will discuss resolution of the first Constituent Assembly of Pakistan and the famous Maulvi Tamizuddin Khan versus the Federation of Pakistan case. This is a lecture in the subject of constitutional and political developments in Pakistan. This is a very important case because it has left deep marks on the political, legal and constitutional history of Pakistan. So let's see what was the event or how this resolution occurred. So first read out what I have written, dissolution of the first Constituent Assembly and Maulvi Tamizuddin Khan case. Governor General Ghulam Mohammad dissolved the first Constituent Assembly of Pakistan on 24 October 1954. This act was challenged by Maulvi Tamizuddin Khan, the then president of the Assembly, in the Sindh Chief Court, which accepted his petitions and restored the Assembly by declaring the Governor General's action null and void. The federal government appealed to the federal court against this decision by the Sindh Chief Court. The federal court accepted the government's appeal and overruled the Sindh Chief Court's decision. This dissolved the assembly. यानी क्या हुआ ये क्या था कि गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद जो पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर जनरल बने उन्होंने 24 अक्टूबर 1954 को पाकिस्तान की जो पहली दस्तूरसाज असेंबली थी इसको तहलील किया एक प्रोक्लेमेशन के जरिए. अच्छा तो जो प्रेसिडेंट था दस्तूरसाज असेंबली का मौलवी तमीजुद्दीन खान वो क्या है आजकल इसे हम स्पीकर कहते हैं तो उस वक्त प्रेसिडेंट कहलाता था वो. तो उन्होंने बहसियत कस्टोडियन ऑफ द असेंबली उन्होंने इस गवर्नर जनरल के इस इकदाम को चैलेंज किया सिंध की चीफ कोर्ट में और सिंध चीफ कोर्ट ने उनकी पिटिशन को मंजूर किए और गवर्नर जनरल के इकदाम को गैर कानूनी करार दिया असेंबली को बहाल किया. फिर फेडरल गवर्नमेंट ने मरकजी हुकूमत ने क्या किया कि ये जो फेडरल कोर्ट था आजकल जिसे सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है इसमें अपील दायर की सिंध चीफ कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ और फेडरल कोर्ट लेड बाय जस्टिस मुनीर उन्होंने गवर्नमेंट की अपील को मंजूर किया और सिंध चीफ कोर्ट ने जो फैसला किया था उसको कल आदम करार दिया. ठीक है तो इस तरीके से वो पाकिस्तान के पहली दस्तूरसाज असेंबली है वो तहलील हो गई. अच्छा वाई वजूहात क्या थी और किस तरह ये डेवलपमेंट हुई लेट्स सी नेक्स्ट. सो फर्स्ट वी गो इनटू द बैकग्राउंड कि यार ये पहली दस्तूरसाज असेंबली ये थी क्या किस तरह मर्जी वजूद में आई. तो जिस तरह की मैंने दिया है फॉर्मेशन अंडर इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ इंडिया 1947 व्हिच वाज पास्ड ऑन 18 जुलाई 1947 यानी जो पाकिस्तान के पहले दस्तूरसाज असेंबली थी वो इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ इंडिया के तहत ही मारिजी वजूद में आई और ये एक्ट 18 जुलाई 1947 को इसको रॉयल एसेंट हासिल होकर एक्ट बना और इसी एक्ट के तहत इंडिया को डिवाइड किया पाकिस्तान और इंडिया दो आजाद मुमलकत है मारिजी वजूद में आ गई थी. फिर पाकिस्तान की असेंबली की जो अरकान थे जो असेंबली थे इट वॉज नोटिफाइड इन द गजट ऑफ इंडिया ऑन 26 जुलाई 1947. वो पाकिस्तान की दस्तूरसाज असेंबली भी और इंडिया की दस्तूरसाज असेंबली भी बाकायदा तौर पर इसका जो नोटिफिकेशन है 26 जुलाई 1947 को इंडियन गजट में इसे नोटिफाई किया गया. पाकिस्तान के पहले दस्तूरसाज असेंबली इट वॉज कम्पोज ऑफ 69 मेंबर्स ओरिजिनली ये 69 अरकान पर मुश्तमिल था लेकिन बाद में द स्ट्रेंथ वॉज रेस्ट टू 79 मेंबर्स क्योंकि जो प्रिंसड स्टेट्स थी पाकिस्तान में जैसे बावलपुर खैरपुर कलात या हमारे दीरसवार चतराल वगैरह जो प्रिंसड स्टेट्स थी उनको नुमाइंदगी दी गई और इस तरह जो रिफ्यूजीज आ रहे थे पाकिस्तान उनको उनके लिए भी तो ये स्ट्रेंथ 79 किया गया. पाकिस्तान के पहले दस्तूरसाज असेंबली का जो इजलास फर्स्ट सेशन बुलाया गया 10 अगस्त 1947 को और अगले दिन यानी 11 अगस्त 1947 को खालिद आजम मोहम्मद अली जिन्ना को इस कंस्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट मुंतखब किया गया.
बाद में चूंकि कायद आजम की मसरूफियात भी थी, बीमारी भी थी, तो मौलवी तमीजुद्दीन खान वॉज इलेक्टेड एज अ डिप्टी प्रेसिडेंट ऑन 23 फरवरी 1948। ओके, और जब कायद आजम वफात हुए, उनके वफात के बाद ही वॉज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली, कंस्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये पाकिस्तान के पहले दस्तूरसार असेंबली थी मुख्तसरन। और ये इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थी? इट हैज टू सर्व टू ऑब्जेक्टिव, डबल फंक्शन इट हैड टू सर्व। फर्स्ट, टू सर्व एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये जो बॉडी मर्ज वजूद में आई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के नाम से, तो ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं थी, यानी इसका काम ये था कि आईन तैयार करे, लेकिन आईन के अलावा टू सर्व एज द फेडरल लेजिस्लेचर, कि ये मरकजी कानून साज असेंबली के तौर पर भी ये असेंबली काम करेगा। यानी दो इसके क्या थे, फंक्शन थे। एक ये था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के तौर पर काम करना था, मुल्क के लिए आईन ड्राफ्ट करना था, और दूसरा जो फंक्शन था कि यार वो मरकजी पार्लियामेंट के तौर पर इसे काम करना था। ओके, नेक्स्ट टर्म। ओके, प्रोग्रेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी 1947 से लेकर अपने डिसोल्यूशन तक इसकी कारकर्दगी कैसी रही है, इसने क्या काम किए, तो ये वो लिस्ट है। ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड दीज थिंग्स, मैं पहले ये डिस्कस कर चुका हूँ बोगरा फार्मूला में। तो इनको समझने के लिए, डिटेल के साथ समझने के लिए, आपको उस लेक्चर वो मैंने अपलोड किया हुआ है, दोबारा उसकी तरफ जाना होगा अगर कोई मसला हो। कि पहले इसके जो अहम काम मेथड थे, ऑब्जेक्टिव्स, रेजोल्यूशन विच वॉज पास्ड ऑन 12 मार्च 1949, वो मैंने डिस्कस किया है, ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन किया था, इसकी अहमियत किया है। अच्छा, फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल कमिटी विच केम इन 1950, आई हैड टोल्ड यू इट हैड बीन क्रिटिसाइज्ड एंड हैड बीन विथड्रॉन बाय प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान, तो इसके हवाले से भी मैं बता चुका हूँ। फिर ये है कि 6 अक्टूबर 1950 को इस जो इंटरिम रिपोर्ट ऑफ द कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन के हवाले से एक कमेटी बनाई थी, तो उसके क्या है जो इंटरिम रिपोर्ट है, इसको अडॉप्ट किया गया 6 अक्टूबर 1950 को। तो ये भी एक अहम अचीवमेंट है। सेकंड रिपोर्ट फिर जो बेसिक प्रिंसिपल कमेटी का 22 दिसंबर 1952 ये आया सेकंड रिपोर्ट। ये इम्प्रूवमेंट मैंने आपको बताया है उस लेक्चर में कि इट वाज अ लिटिल बिट इम्प्रूवमेंट ओवर द प्रीवियस वन, लेकिन यह भी इतराजात थे। तो फिर द फेमस बोगरा फार्मूला 7 अक्टूबर 1953 वो आया, और बोगरा फार्मूला ने रिकॉन्साइल करने की कोशिश की, एक कंप्रोमाइज किस्म का फार्मूला था, जो ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान की जो आइनी कन्फ्लिक्ट थे इनके हवाले से। तो बोगरा फार्मूला पर एक अलग लेक्चर है, और ये सारी चीजें बैकग्राउंड में भी मैंने वो दी हैं, आप वो सुन सकते हैं। द बेसिक प्रिंसिपल कमेटी रिवाइज रिपोर्ट वॉज अप्रूव्ड बाई द कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 21 सितंबर 1954, और इसका जो फाइनल रिपोर्ट था, यानी इतराजात को दूर करके बोगरा फार्मूले की रोशनी में इसके जो क्या है रिवाइज रिपोर्ट था, कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने 21 सितंबर 1954 को इसे मंजूर किया। तो बिल्कुल आईन बनाने का काम बिल्कुल पाए तकमील तक पहुंच चुका था, सिर्फ बाकायदा वो जो फॉर्मल तरीके से प्रोसेस जो था इससे गुजरना था, सिर्फ वो कि आईन बन जाए, बाकी सब जो जितना भी काम था वो तैयार हो चुका था। इसे एक्सपर्ट्स की हवाले किया गया, जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स थे कि वो इस पर काम करें, तो सिर्फ वो बाकी था, बाकी ये काम हो चुका था। नो रिजोल्यूशन ऑफ द असेंबली, यानी द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड, बट बिफोर इट कुड बी पास्ड, गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद डिसॉल्व्ड असेंबली अंडर अ प्रोक्लेमेशन इश्यूड ऑन 24 अक्टूबर 1954। अनफॉर्चुनेटली यानी फाइनल ड्राफ्ट वो तैयार हो चुका था, और मैंने जिस तरह बताया कि सिर्फ टेक्निकल एक्सपर्ट के हवाले करके वो उनकी बस जो टेक्निकल तरीके से इनको तैयार करना बाकी था, बाकी सब कुछ हो चुका था कि गुलाम मोहम्मद ने असेंबली को तहलील किया। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई, सो
As I have given to you, the Constituent Assembly's displeasure with Ghulam Muhammad. क्या मतलब है कि Constituent Assembly it was not pleased with Governor General Ghulam Muhammad because it had dismissed the Nazimuddin Ministry, Khwaja Nazimuddin Ministry, while he had he still enjoyed the confidence of the Assembly. गुलाम मोहम्मद ने जो ख्वाजा नजीमुद्दीन की मिनिस्ट्री को इससे पहले बरतरफ किया था तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली इससे खुश नहीं थी क्योंकि ख्वाजा नजीमुद्दीन के ऊपर उन्हें एतमाद हासिल था, वो उनकी पीछी थे, सपोर्ट में थी, लेकिन गुलाम मोहम्मद ने इसके बावजूद उसकी मिनिस्ट्री को बरतरफ किया। तो गुलाम मोहम्मद को या गवर्नर जनरल को फ्यूचर में इस तरह किसी स्टेप उठाने से रोकने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो पाकिस्तान का इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर इसे अडॉप्ट किया गया था विद सर्टन अमेंडमेंट्स बशमूले जो इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ इंडिया 1947 था, तो इसमें अमेंडमेंट्स किए। वो अमेंडमेंट्स किन सेक्शन में थे कि सेक्शन 9, 10, 10A, 10B इनमें थे। यहाँ हमें जरा बैकग्राउंड में जाना होगा कि सेक्शन 9 से लेकर सेक्शन 17 तक ये जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के सेक्शन थे, ये गवर्नर जनरल के जो डिस्क्रिशनरी पावर थे जो वो अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकता था, ये उन हवाले से थी। तो बाकी को खत्म किया गया था जो क्या है कायद अजम मोहम्मद अली जिन्ना ने खुद एक अपनी गवर्नर जनरल के आर्डर के तहत उनको खत्म किया था, जिसको लेकिन ये आर्टिकल सेक्शन 10, 10A और 10B ये बाकी रहे थे। अच्छा, गवर्नर जनरल को ये इख्तियार दिया गया था इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ इंडिया के सेक्शन 9 के तहत कि वो 31 मार्च 1948 तक वो जरूरी तरामीम कर सकता था क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, यानी वो चाहता तो इस तरह तरामीम कर सकता था, उनके इख्तियार में था। तो इसलिए कायदे मोहम्मद अली जिन्ना ने सर्टन अमेंडमेंट्स किए वैसे गवर्नर जनरल पाकिस्तान, तो ज्यादा डिस्क्रिशनरी पावर वो खत्म हो गई थी। सिर्फ ये खासकर जो सेक्शन 10 था और 10A और 10B ये अहम थे, इन्हीं सेक्शन को इस्तेमाल करते हुए गुलाम मोहम्मद ने नाजिमुद्दीन मिनिस्ट्री को बरतरफ किया था। और क्यों? क्योंकि ये सेक्शन कहता है कि यार द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और द कैबिनेट कुड फंक्शन ड्यूरिंग द फ्लेजर ऑफ गवर्नर जनरल, यानी जब तक गवर्नर जनरल चाहे तो वो काम कर सकते हैं, तो गोया कि वो बरतरफ कर सकता था मिनिस्ट्री को। लिहाजा असेंबली ने इसमें अमेंडमेंट की कि गवर्नर जनरल की जो मिनिस्ट्री या कैबिनेट के डिसमिसल के हवाले से जो इख्तियारात हैं वो खत्म हो जाए, और असेंबली ने वो इख्तियारात खत्म किए। और इस तरह उनको ये पाबंद किया गया इन अमेंडमेंट के जरिए कि वो वही कैबिनेट इंस्टॉल करे जिसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या लेजिस्लेचर का एतमाद हासिल हो, ये अमेंडमेंट उन्होंने इंट्रोड्यूस किए। अच्छा, जो दूसरा आप देख सकते हैं कि इंसर्शन ऑफ अनदर सेक्शन 223A, ये भी उन्होंने किया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किया ये ऐड किया पाकिस्तान के इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये किया था कि इस सेक्शन के तहत द हाइस ओके वर एम्पावर्ड टू इशू रेट्स, इनको ये क्या है ये पावर दिया गया हाई कोर्ट को कि वो रिट्स इशू कर सकते हैं। रिट्स क्या होते हैं आगे हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो चार रिट्स थे रिट ऑफ मैंडेमस, रिट ऑफ कोवरेंट, रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस एंड रिट ऑफ सर्शियरारी, ये कि चार रिट्स ये हाई कोर्ट इशू कर सकेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि ये क्या होते हैं। लेट अस रीड द प्रोक्लेमेशन ऑफ द गवर्नर जनरल, जो प्रोक्लेमेशन उन्होंने इश्यू किया गवर्नर जनरल का जो फरमान आया जिसके तहत असेंबली तहलील हुई वो ये था, द गवर्नर जनरल हैविंग कंसीडर्ड द पॉलिटिकल क्राइसिस विद विच द कंट्री इज फेस्ड हैज विद रिग्रेट कम टू द कंक्लूजन
that the constitutional machinery has broken down. He therefore has decided to declare a state of emergency throughout Pakistan. The Constituent Assembly, as at present constituted, has lost the confidence of people and can no longer function. The ultimate authority vests in the people, who will decide all issues, including constitutional issues, through their representatives to be elected afresh. Election will be held as early as possible. ये वो प्रोक्लेमेशन था, मुकम्मल तो मैंने नहीं दिया है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट मैंने इसे आपको दिया है कि आप देख सकते हैं कि गवर्नर जनरल क्या कहता है. वो कहता है कि जो मौजूदा सूरत हाल है वो मायूस कुन है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है मुल्क का, जो क्या आईनी ढांचा है वो टूट फूट का शिकार हो चुका है, ठीक है. लिहाजा वो इमरजेंसी डिक्लेयर करने का ऐलान करता है, यानी इमरजेंसी डिक्लेयर की उन्होंने, और ये कहा कि जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है लोगों का एतमाद खो चुका है, लिहाजा ये मजीद काम जारी नहीं रख सकता. लोगों के पास इख्तियार हासिल है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ अथॉरिटी वो पीपल हैं, तो वो क्या करेंगे कि अपने आईनी मसाइल के हल के लिए अपने नुमाइंदों का दोबारा चुनाव करेंगे, फ्रेश इलेक्शन होगा, और जितना मुमकिन होगा फ्रेश इलेक्शन का इनकाद होगा, तो नई असेंबली यानी मरीज वजूद में लाई जाएगी, जो क्या करेगा आईन बनाएगा. तो ये है वो उनकी कि स्टेट ऑफ इमरजेंसी, ये मौजूदा जो असेंबली है इट इज इनकॉम्पिटेंट टू डू इट्स फंक्शंस, ओके, इट हैज लॉस्ट द रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, इट कैन नो लॉन्गर फंक्शन. आप देख सकते हैं कि इसमें फ्लास क्या है, यानी जो प्रोक्लेमेशन उन्होंने इशू किया इसमें जो कानून नकायस हैं वो क्या नजर आ रहे हैं. तो पहले मैंने दिया है, इट डज नॉट स्ट्रेटली मेंशन दैट असेंबली हैज बीन डिसॉल्वड, यानी देयर इज नो क्लियर कट, ओके, देयर आर नो क्लियर कट वर्ड्स इसमें कि द असेंबली इज डिसॉल्वड. रिजोल्यूशन के हवाले से इसमें क्लियर कट वर्ड्स नहीं है, सिर्फ ये सिर्फ कहते हैं कि द असेंबली कैन नो लॉन्गर फंक्शन. आप ये हैं कि इसका क्या मतलब है, इट कैन बी इंटरप्रेटेड इन एनी वे, लेकिन बहरहाल ये समझा गया कि असेंबली तहलील हो गई है, अगरचे डायरेक्ट अल्फाज इसमें इस्तेमाल नहीं किए गए हैं. तो कोर्ट अगर चाहती तो इसे किसी और तरीके से भी इंटरप्रेट कर सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो फेडरल कोर्ट था उन्होंने इसे डिजॉल्व ही समझा. अच्छा, इट डज नॉट कैरी एनी सेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच सच एक्शन हैड बीन टेकन. दूसरा फ्लॉ इसमें ये नजर आ रहा है कि यार अंडर विच सेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नर जनरल हैड टेकन दिस एक्शन. जनरली जब इस तरह कोई कदम उठाया जाता है आईनी, तो जिस सेक्शन जिस शेर जिस आर्टिकल के तहत कदम उठाया जाता है उसका रेफरेंस दिया जाता है कि इस सेक्शन के तहत इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए वो क्या है जो गवर्नर जनरल है या प्रेसिडेंट है जो भी है वो ये कदम उठाता है, लेकिन यह कोई इस तरह रेफरेंस नहीं था. तो गोया कि ये कानूनी तौर पर काफी कॉन्स्टिट्यूशनली काफी डिफेक्ट था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फेडरल कोर्ट ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी. नेक्स्ट. अच्छा, मौलवी तमीजुद्दीन खान केस. अब मौलवी तमीजुद्दीन खान जो असेंबली का प्रेसिडेंट था, सो बीइंग प्रेसिडेंट ही वाज द कस्टोडियन ऑफ द असेंबली, द कस्टोडियन ऑफ द हाउस, लिहाजा उन्होंने क्या किया कि गवर्नर जनरल के ऐसा इकदाम को चैलेंज किया. ही चैलेंज द गवर्नर जनरल्स एक्ट इन द सिंध चीफ कोर्ट अंडर सेक्शन 223A. He requested for the issuance of two writs. Yani jo Government of India Act 1935 ka jo section 223 hai jo maine bataya ki ye introduce kiya constitutional assembly ne, to isi hi ke tehat wo request aayi Maulvi Tamizuddin Khan ki taraf se petition dair ki gayi ki yaar two writs issue ki jaye. Aur writs wo kaun se, writ of mandamus एंड रिट ऑफ कोवेरेंट, इन दो रिट्स के लिए उन्होंने इस्तेदा की. अब रिट्स क्या होते हैं, रिट्स के टाइप्स क्या हैं, ये बहुत अहम है. मैं सिंपली आपको बताता हूं क्योंकि स्लाइड्स में ऐसा मुमकिन नहीं है डिटेल के साथ. रिट क्या होता है, इट इज यू कैन से रिटन ऑर्डर इश्यूड बाय द सुपीरियर कोर्ट्स
पर्टिकुलरली इन कनेक्शन विद द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी फंडामेंटल राइट आइन में जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं सिटीजन के हवाले से, उनके प्रोटेक्शन के हवाले से सुपीरियर कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर कमांड्स आते हैं उनको हम रिट्स कहते हैं। अच्छा, मसलन पाकिस्तान का जो मौजूदा आइन है 1973, तो आर्टिकल 199 जो क्या है हाई कोर्ट्स के पावर्स के हवाले से है, तो पाकिस्तान में हाई कोर्ट्स को ये इख्तियार हासिल है कि वो रिट्स इशू करे। अब रिट्स मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, वो मैंने अगर आप नीचे देखो मैंने आपको दिए हैं। इन टू रिट्स की तो तमीजुद्दीन खान ने रिक्वेस्ट की थी, रिट ऑफ मैंडमस एंड रिट ऑफ कोवेरेंटो। अब इसके अलावा बाकी भी तीन रिट्स हैं, हैबियस कॉर्पस, रिट ऑफ प्रिवेंशन एंड रिट ऑफ सरशुरारी। ये पांच टाइप्स हैं इंपॉर्टेंट। अच्छा, रिट ऑफ मैंडमस क्या होता है ये जरा समझिए। रिट ऑफ मैंडमस इसके टू एस्पेक्ट है। मैंडमस मींस वी कमांड, ये लैटिन वर्ड है, इसके माने है वी कमांड। तो इसका मतलब यह है कि सुपीरियर कोर्ट्स ओके ऑर्डर एंड अथॉरिटी ओके इन द शेप ऑफ अ पर्सन और इंस्टीट्यूशन टू डू एज लॉ डिमांड्स। ये ऑर्डर देता है किसी शख्स किसी अथॉरिटी को कि जो कानून के मुताबिक काम करना है वो करे। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर नादरा में आपका शनाख्ती कार्ड नहीं बन रहा है तो आप हाई कोर्ट से रिट ऑफ मैंडमस वो इशू करवा सकते हैं और कोर्ट वो नादरा को ऑर्डर देगा कि तुम्हारा काम है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है सिटीजन को ये शनाख्ती कार्ड इशू करना। तो इसको हम रिट ऑफ मैंडमस कहते हैं। रिट ऑफ मैंडमस के एक दूसरे एस्पेक्ट भी है कि द सुपीरियर कोर्ट कोर्ट्स आस्क एन अथॉरिटी to avoid hurdling the functioning of another authority, yani ek idare se ek authority se wo ye order de sakta hai ki dusre idare ke kaam mein tang adai se gurez kare, theek hai, hurdle paida karne se gurez kare। to agar hum dekhe to Maulvi Tamizuddin Khan ne ye dono hi istida ki hai। acha pehle hum rights ko padhte hain। right of coverendo ye kya hota hai, रिट ऑफ इट इज अगेन लैटिन वर्ड और इसका मतलब यह है कि यार बाय व्हाट अथॉरिटी, यानी द सुपीरियर कोर्ट्स आस्क एन अथॉरिटी अ पर्सन एन ऑफिशियल टू एस्टैब्लिश ओके द वैलिडिटी ऑफ देयर पोजिशन द वैलिडिटी ऑफ देयर फंक्शनिंग अंडर विच अथॉरिटी दे फंक्शन। सो यानी किसी शख्स किसी इदारे से कहता है कोवारंटो कि वो अपनी वैलिडिटी एस्टेब्लिश करे, किस लॉ के तहत वो फंक्शन कर रहे हैं या एक ऑफिस होल्ड करते हैं, तो ये भी बहुत अहम है। अच्छा, रेट ऑफ हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस क्या है, ये अगेन अ लैटिन वर्ड और इसके माने है टू प्रोड्यूस अ बॉडी ओके। तो ये क्या है, द सुपीरियर कोर्ट में आस्क एन इंस्टीट्यूशन एन अथॉरिटी लीगल और एग्जीक्यूटिव व्हाट में भी, ठीक है, सो द सुपीरियर कोर्ट्स ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ पर्सन हु इज इलीगली डिटेन आर मिसिंग। यानी इसमें जो सुपीरियर कोर्ट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में हाई कोर्ट्स हैं, वो ऑर्डर देते हैं कि एक पर्सन जिसको अगर गैर कानूनी तरीके से वो किया गया है, डिटेन किया गया है या मिसिंग है वो, कि इसे कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाए, कोर्ट के सामने लाया जाए, मतलब पाकिस्तान में जो मिसिंग पर्सन के हवाले से है। तो ये रेट ऑफ हैबियस कॉर्पस है। प्रिवेंशन क्या है, प्रिवेंशन इन विच द सुपीरियर कोर्ट्स ऑर्डर्स द लोअर कोर्ट्स आर अनदर जुडिशियल आर एग्जीक्यूटिव आर अनदर अथॉरिटी टू स्टॉप प्रोसीडिंग ऑन अ पर्टिकुलर केस। यानी लोअर कोर्ट्स या किसी और फॉर एग्जाम्पल जो इंक्वायरी कमीशन होते हैं उनको रुकवा सकते हैं इस रिट के जरिए कि वो अब उस केस पर प्रोसीडिंग बंद करे। अगर कोई शख्स जाए कि ये जो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो रही है जिस कमीशन में या कोर्ट में वो उसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं है, या कोई और मसला है वहां कोई उनके साथ वो बायसेस हो रही हैं, कोई वाजी उनके खिलाफ लोग वहां मौजूद हैं, तो फिर वो कोर्ट से रिट ऑफ प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं, इशू करवा सकते हैं जजमेंट आने से पहले। अच्छा, सरशुरारी, रेट ऑफ सरशुरारी, ये वही रेट होता है जो क्या होता है, जजमेंट के आने के बाद अगर कोई शख्स
सुपीरियर कोर्ट के पास जाए क्यों, जो मेरे खिलाफ फैसला आया है वो कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं था, या वही किया है उनके साथ बातचीत हुई है, या कोई टेक्निकल गलतियां हुई हैं, तो फिर हाई कोर्ट या हमारे यहाँ पाकिस्तान में वो कह सकते हैं लोअर कोर्ट को कि वो अपना रिकॉर्ड पेश करे, फाइल पेश करे, ताकि देख के सर्टिफाई करे कि यार मसला क्या है। तो ये है पांच रेट मुख्तलिफ। तो मौलवी तमीजुद्दीन खान ने ये रेट इश्यू करवाने का वो उन्होंने रिक्वेस्ट की, रेट ऑफ मैंडेमस, कि हमें रेट ऑफ मैंडेमस इश्यू करवाया जाए। क्या मतलब है? टू रिस्ट्रेंड द रिस्पॉन्डेंट इन द फेडरल गवर्नमेंट फ्रॉम गिविंग इफेक्ट टू द प्रोक्लेमेशन एंड फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्टिंग द पिटिशनर इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस एंड ड्यूटीज एज प्रेसिडेंट। क्या मतलब है कि फेडरल गवर्नमेंट जो गुलाम मोहम्मद ने जो मिनिस्ट्री इंस्टॉल किए हैं उनको रोका जाए कि गुलाम मोहम्मद के ऑर्डर को उनको फॉलो करे, उन पर अमल करे, इससे रोका जाए, और फिर कि उनको इससे भी रोका जाए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की या इसके प्रेसिडेंट की जो ड्यूटी है इसमें हर्डल पैदा करें, ठीक है, इससे गुरेज करें, ये रिट ये ऑर्डर उनको दिया जाए। रिट ऑफ कोवेरेंटो कि जो क्या है मिनिस्ट्री इंस्टॉल हुई है गुलाम मोहम्मद ने, उनसे पूछा जाए कि यार उनकी वैलिडिटी क्या है, दे शुड एस्टैब्लिश देयर वैलिडिटी अंडर विच लॉ दे आर फंक्शनिंग। तो ये रिट इशू करवाने की उन्होंने इस्तेदा की। नेक्स्ट ओके, सो व्हाट वाज तमीजुद्दीन खान्स प्ली, उनका स्टांस क्या था, दलाइल उनके क्या थे कि द गवर्नर जनरल लैक्ड टू इशू सच प्रोक्लेमेशन, यानी गवर्नर जनरल के पास असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की तहलील करने का इख्तियार नहीं है, वो मैंने नीचे दिया है कि क्यों नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हैड नॉट ब्रोकन डाउन, ये गवर्नर जनरल जो कहता है कि यार कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी वो खत्म हो गया है, टूट फूट का शिकार हो गया, तो ये भी गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अपना काम कर रहा है, आइन के हवाले से तकरीबन काम मुकम्मल हो चुका है, ठीक है, तो ये भी गलत है। द 1947 एक्ट इनेबल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टू परफॉर्म डुअल फंक्शंस एंड इट कुड नॉट एक्ट सॉरी एंड इट कुड एक्ट एज अ सुप्रीम सॉवरन अनफेटर्ड कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी एंड इज ऑल्सो एम्पावर्ड टू एक्ट एज द फेडरल लेजिस्लेचर फॉर द पर्पजेस ऑफ द 1935 एक्ट। ओके, यानी जो 1947 एक्ट को अगर हम देखें तो जो मौजूदा असेंबली है इसकी डबल फंक्शन है, दो इनके फंक्शन है, वो क्या है कि एक तो इट हैज टू सर्व एज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, सुप्रीम सॉवरन अनफेटर्ड कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी है ये, इसको इस पर कयूद और इस तरह की पाबंदियां नहीं लगा सकते आप, ठीक है, और दूसरी तरफ है कि जो सेक्शन 8 ऑफ द 1947 एक्ट है इसके तहत ये फेडरल लेजिस्लेचर भी है, यानी दो काम है इसके, ये तो दो किस्म के काम कर रहे हैं, किस हैसियत से इसको खत्म किया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की हैसियत से, फेडरल लेजिस्लेचर की हैसियत से, ठीक है, तो नहीं कर सकता वो। ओनली द असेंबली कुड डिसॉल्व इटसेल्फ, अगर असेंबली ने खत्म होना है तो ये इख्तियार असेंबली सिर्फ असेंबली के पास है, ये अपने आप को खुद खत्म कर सकती है, और यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के तौर पर भी खत्म नहीं किया जा सकता एंड आवर फेडरल लेजिस्लेचर असेंबली के तौर पर भी नहीं, क्योंकि इवन इन इट्स कैपेसिटी एज द फेडरल लेजिस्लेचर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कुड नॉट बी डिसॉल्व बाय द गवर्नर जनरल बिकॉज हिज पावर प्रायर टू अगस्त 15, 1947 टू डिसॉल्व द फेडरल लेजिस्लेचर इन सेक्शन 19(2)(c) ऑफ द 1935 एक्ट was omitted under the Pakistan Provisional Constitution Order 1947। यानी क्या है कि वैसे तो फेडरल लेजिस्लेचर भी इसे खत्म नहीं किया जा सकता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो ओरिजिनल था उसमें गवर्नर जनरल को यह इख्तियार हासिल था अंडर सेक्शन 19 सब सेक्शन 2(c), इसके तहत उनको इख्तियार हासिल था कि वो लेजिस्लेचर को क्या करे, तहलील करे, लेकिन मौलवी तमीजुद्दीन खान कहते हैं कि इस शख को पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने पहले खत्म किया था। कब खत्म किया था? जिसको हम पाकिस्तान प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर कहते हैं 1947, इसके तहत 1935 एक्ट में जरूरी अमेंडमेंट के कायदे आजम मोहम्मद अली जनाने, ये पहले मैंने बताया, और क्या क्या कि वो अपने डिस्क्रिशनरी पावर भी खत्म किए और ये सेक्शन 19 भी खत्म किया था, तो वो
गवर्नर जनरल को यह अख्तियार हासिल था इंडिपेंडेंस एक्ट के सेक्शन 9 के तहत, उन्होंने ऐसा किया था, लिहाजा ये सेक्शन अब आईन का हिस्सा नहीं रहा है। तो इसलिए असेंबली को एज ए लेजिस्लेचर भी ये खत्म नहीं किया जा सकता। अच्छा, नेक्स्ट, द असेंबली कुड नॉट बी रिजॉल्व्ड एक्सेप्ट बाय अ रेजोल्यूशन असेंटेड टू बाय एटलीस्ट 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द असेंबली। यानी अगर असेंबली ने खत्म होना है तो असेंबली ने अपने खिलाफ 2/3 मेजोरिटी से एक रेजोल्यूशन पास करनी है, तब ये तहलील हो सकती है। अच्छा, द गवर्नर जनरल हैड नो कंट्रोल ओवर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर गवर्नर जनरल को कोई अख्तियार हासिल नहीं था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली असोवरन बॉडी थी, गवर्नर जनरल को यह अख्तियार हासिल नहीं था कि वो इस तहलील करे। एंड और इन इट्स एक्ट, सॉरी, and its acts in that capacity do not require his assent, because under the passage of a bill a copy thereof was to be signed by the president and it became law on being published in the official gazette of Pakistan under authority of the president of the constituent assembly। yani constituent assembly sovereign body thi aur iske acts या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स के लिए गवर्नर जनरल की एसेंट जरूरी नहीं था। क्यों जरूरी नहीं था? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने यह फैसला किया था कि ऐसा नहीं होगा, गवर्नर जनरल के एसेंट की कोई जरूरत नहीं है। जो रूल नंबर 62 हम इसे कहते हैं, इसके तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कहा था कि अगर कोई एक्ट और लॉ बनना है, पास होना है, तो क्या होगा कि असेंबली इसे पास करेगा और असेंबली का प्रेसिडेंट इस पर दस्तखत करके इसे नोटिफाई करेगा गजट ऑफ पाकिस्तान में। तो गवर्नर जनरल को इस एसेंट की जरूरत नहीं है। और ये क्या है, रूल 62 था, ये खुद कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने इंट्रोड्यूस की थी। वो असेंबली उस असेंबली इजलास में मौजूद था जिसमें ये फैसला किया गया। तो उन्होंने गोया कि कायद आजम ने इसको सैंक्शन किया, इसको मंजूर किया खुद बहसियत गवर्नर जनरल। तो अब ये किया था कि किसी लॉ को बनने के लिए एसेंट की जरूरत नहीं थी गवर्नर जनरल की। नेक्स्ट, व्हाट वाज द फेडरेशन्स रिएक्शन या प्ली, उनका मौकिफ क्या था? इट वाज अर्ग्यूड फेडरेशन फेडरल गवर्नमेंट ये दलील पेश की कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड बीन डिसॉल्वड इन अ राइट वे, कि असेंबली सही तरीके से इसे डिसॉल्व किया गया था, ये अंडर द लॉ था, इसका जो रिजोल्यूशन था ये लॉफुल था। The chief court had no jurisdiction to entertain the writ petition. फिर इसका मौके यह था कि चीफ कोर्ट के पास जो पिटीशन आए हैं उन पर कोई रिट इशू करने का इनके पास इख्तियार नहीं है। इट इज बियॉन्ड देयर jurisdiction, ये उनके jurisdiction से बाहर है। और क्यों बाहर है? द सेक्शन 223A which was put into the Government of India Act 1935 was invalid due to non-assent of the Governor General which was master। यानी सेक्शन 223A के तहत ये रिट इशू होने हैं, और ये चूंकि 223A अभी आया है, इस पर गवर्नर जनरल का एसेंट नहीं है, ये आईन का हिस्सा नहीं है, लिहाजा कोर्ट क्या कर सकता है, रिट्स इशू नहीं करवा सकता। नेक्स्ट, व्हाट वाज द डिसीजन ऑफ द सिंध चीफ कोर्ट? द सिंध चीफ कोर्ट एक्सेप्टेड द पिटीशन ऑफ द मीजुद्दीन खान एंड रिस्टोर्ड द असेंबली। द गवर्नमेंट्स आर्गुमेंट्स वर डिसमिस्ड द कोर्ट हेल्ड। यानी सिंध चीफ कोर्ट ने तमीजुद्दीन खान की जो पिटीशन थी वो एक्सेप्ट की और असेंबली को बहाल किया, फैसला किया था। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज अ सॉवरन बॉडी क्रिएटेड फॉर स्पेशल पर्पस एंड इट वाज टू फंक्शन टिल दैट पर्पस एंड हेंस कुड नॉट बी डिसॉल्वड। कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये एक सॉवरन बॉडी थी, ये एक स्पेशल पर्पस के लिए क्रिएट किया गया था, स्पेशल पर्पस किया था आईन बनाना। यानी जब तक ये आईन न बनाए उस वक्त तक इसको डिजॉल्व नहीं किया जा सकता। सेशन 223A वाज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नर जनरल्स एसेंट वाज नॉट नेसेसरी, हेंस द कोर्ट कुड इशू रिट्स अंडर दिस सेक्शन। इस तरह जो असेंबली ने सेक्शन 223 ऐड किया है ये भी ठीक है, गवर्नर जनरल की एसेंट की जरूरत नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये डिसाइड किया है, वो चूंकि सावरन है, उनका फैसला काबिल कबूल है, लिहाजा ये 223A ये आईन का हिस्सा बन गया है और कोर्ट्स रिट्स इशू करवा सकती है।
The Indian Independence Act did not contain any express provision to empower the Governor General to dissolve the Assembly. इस तरह जो इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ इंडिया है वो भी आइन का चूंकि हिस्सा है, इसमें भी कोई इस तरह वाजिब कोई प्रोविजन नहीं है जिसको इस्तेमाल करके गवर्नर जनरल असेंबली को तहलील करे। तो यानी क्या है नतीजा ये निकला कि सिंध चीफ कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बहाल किया। नेक्स्ट ओके, सो व्हाट वाज़ द फेडरल गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्स? It appealed to the federal court against this decision of the Sindh chief court. And the federal court announced its judgment on 21st March 1955. And this decision was by a majority of 4-1. यानी federal court में appeal किया कि federal government ने और federal court का जो फैसला 21 मार्च 1955 को आया, लेकिन this was not a unanimous decision. ये मुतफिका फैसला नहीं था। चार जजों ने क्या किया, गवर्नमेंट की अपील को मंजूर किया, एक जज ने इसके साथ इख्तिलाफ किया। तो ये एक के मुकाबले में चार जो जजों के फैसले की वजह से असेंबली तहलील हो गई। तो फैसला क्या था, इट ओवर रूल्ड द सिंध चीफ कोर्ट डिसीजन। जो मेजोरिटी फैसला आया है इसके तहत क्या हुआ कि सिंध चीफ कोर्ट के डिसीजन को ये कल अदम करार दिया गया, कि मतलब है कि इट हैड नो ज्यूरिसडिक्शन टू इश्यू द रेट्स under section 223A which required governor general assent as he was a constituent part of the assembly. yani sindh chief court ke faislon ko muattar kiya ki isko section 223A ke तहत writ issue karne ka ikhtiyar nahi tha, isliye ki section 223A ye ayin ka hissa nahi hai, गवर्नर जनरल का एसेंट जरूरी है, ही इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इसलिए चूंकि एसेंट गवर्नर जनरल का नहीं है तो सेक्शन 223A आईन का हिस्सा नहीं है, लिहाजा रिट इशू नहीं करवा सकते। अकॉर्डिंग टू द फेडरल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज नॉट सॉवरन बट गवर्नर जनरल वाज अ सॉवरन अथॉरिटी, कि गवर्नर जनरल असल में सॉवरन अथॉरिटी वही था। तो क्या है कि इसने ये करार दिया कि सिंध असेंबली सॉरी सिंध चीफ कोर्ट रिट इशू नहीं करवा सकती सेक्शन 223A के तहत, क्योंकि गवर्नर जनरल का एसेंट नहीं है इस पर, जो कि जरूरी है। अच्छा नेक्स्ट डिसेंट नोट, यानी जो इख्तिलाफी नोट, जिस तरह मैंने बताया कि फेडरल कोर्ट का जो डिसीजन आया जजमेंट आया ये मेजॉरिटी से आया, चार जज ने असेंबली को गोया की तहदील किया, सिंध चीफ कोर्ट के फैसले को कल अदम करार दिया, लेकिन एक जज ने उन्होंने गवर्नमेंट की अपील को मंजूर नहीं किया और सिंध चीफ कोर्ट के फैसले के साथ इत्तेफाक किया, यानी ही वाज जस्टिस ए आर कार्नेलियस। सो ए आर कार्नेलियस हैड द करेज टू से नो टू द गवर्नमेंट प्रेशर टू द एस्टेब्लिशमेंट प्रेशर, ही ओके ट्राई टू डिसाइड अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट ऑफ लॉ। So what was his decision? Pakistan was an independent sovereign state. Pakistan ek sovereign state tha. Federal jo char judges the unhone dominion of Pakistan ko ab bhi kaha Taj Britannia ka hissa qarar dekar kaha ki wahi jo qanoon hai wo aaj bhi applied hai. Lekin Justice A.R. Carneades ne kaha ki nahi, Pakistan was independent sovereign state aur Pakistan ki jo constitution assembly thi that was a sovereign body aur ye apne taur par faisle karne ki ke taur par azad thi, baaki jo dominions hain theek hai aur Taj Britannia ki jo laws hain wo yahan applied nahi hai. The statutes under which governor general functioned were in the competence of the constituent assembly to amend. Governor general ye koi ikhtiyar nahi tha, isliye nahi tha कि जिन स्टेट्यूट्स लॉज के तहत गवर्नर जनरल काम कर रहा था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली उनको अमेंडमेंट कर सकती थी उनमें, ओके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को यह अख्तियार हासिल था कि उनमें तब्दीली करे अमेंडमेंट करे और गवर्नर जनरल को क्या है उनके अख्तियार कम या ज्यादा करने के हवाले से वो कुछ भी कर सकती है। अच्छा तो ये जस्टिस ए आर कार्नेलियस की क्या थी डिसेंटिंग रिमार्क, ये तवील उनके वो हैं और भी है, मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंट आपको दिए हैं। अब मसला ये है कि इसके इफेक्ट क्या हुए इस केस के, फेडरल कोर्ट ने जब
इस तरह मेजॉरिटी डिसीजन से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को तहलील करार दिया तो इसके इफेक्ट क्या हुए? सम 47 एक्ट्स बिकेम इनवैलिड, यानी इस जजमेंट ने क्या किया कि एक लीगल वैक्यूम क्रिएट किया मुल्क में, यानी इसकी वजह से तकरीबन 46 एक्ट्स वो इनवैलिड हो गए, गैर कानूनी हो गए। किस तरह कि इस तरह 46 एक्ट थे जिस पर गवर्नर जनरल का एसेंट नहीं था और अभी तक चल रहे थे, 47 से लेकर अब तक चल रहे थे। इसके तहत बहुत से काम हुए थे, जजा और सजाएं हुई थी, तो अब अचानक वो इनवैलिड हो गए। ये एक गैर क्या है, एक गैर मामूली सूरत हाल पैदा हो गई कि ये क्या होगा। देयर वॉज अ कम्प्लीट कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन, गोया कि मुल्क में मुकम्मल तौर पर एक आईनी बहरान पैदा हो गया, एक आईनी खला, कानूनी खला पैदा हो गया। तो अब क्या इस सूरत हाल से किस तरह निपटा जा सके, अब मजीद क्या डेवलपमेंट इस केस के साथ ही अटैच है, इसके जो क्या है नतीजे बरामद हुए वो क्या होते हैं कि इमरजेंसी पावर ऑर्डिनेंस 9 ऑफ द 1955, यूसुफ पटेल वर्सेस द क्राउन केस, द गवर्नर जनरल रेफरेंस टू द फेडरल कोर्ट, ये तीन अहम चीजें इसके साथ जुड़े हैं, लेकिन इस एक लेक्चर में कवर करना वो मुमकिन नहीं है। वो इंशाल्लाह हम अगले अलग तौर से इनको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि गवर्नर जनरल ने क्या एक इमरजेंसी पावर ऑर्डिनेंस इशू किया जिसके तहत उन्होंने आईन में अपने लिए आईन बनाने का अख्तियार हासिल किया, जो लॉज इनवैलिड हो गए थे उनको वैलिड करने का उन्होंने अख्तियार अपने लिए क्रिएट किया। अच्छा, फिर यूसुफ पटेल वर्सेस द क्राउन एक केस है, इसमें इस हवाले से फिर सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि गवर्नर जनरल ऐसा नहीं कर सकता था, तो गवर्नर जनरल ने रेफरेंस दायर किया फेडरल कोर्ट के एडवाइस हासिल करने के लिए। तो इंशाल्लाह दिस विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।